सो यम्मी, तो आप लोग देख सकते हो। तो जैसा कि मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को, एग अंडों की सब्जी पनीर के जैसे एकदम से। तो आपको उस, मैंने 6-7 अंडे लिए थे, उसको तोड़ लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और हम इसको अच्छे से फेंट देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे ही अच्छे से फेंट देना है। आम बन गया तो है, मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट दिया है इसको, आप देख सकते हैं। तो आप उसको जितना अच्छे से फेंटोगे उतना ही अच्छा आपका फ्लॉपी फ्लॉपी से बनेगा। और एक आपको लेना है ऐसे टिफिन बॉक्स, आप कोई 17 का जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं वो लेके आप थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर दीजिए। आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि रिफाइंड ऑयल ही लगाएं। और उसमें हम जो हमने अंडा फेटा हुआ था उसको सावधानी से गिरा देंगे। तो आप देख सकते हो, और मैंने पहले से ही एक भगोने में बड़े से कढ़ाई जैसे मैंने उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे पानी गर्म हो गया, मैंने एक स्टैंड, गैस वाला स्टैंड लेके उसमें डाल दिया है। आपके पास ना हो तो आप कोई कटोरी भी डाल सकते हैं उल्टी करके, और सावधानी से इसको इस अंडे वाले टिन को हम उसमें रख देंगे। उसको हम ढक के 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। तो आपको चेक करने के लिए आप एक चम्मच लेना है, और आप उस चम्मच को तो ये बहुत गर्म है इसलिए से धुआं धुआं से उठ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब एक चम्मच लेना है और उसको ऐसे, तो देखो चम्मच एकदम क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब अंडे अच्छे से पक चुके हैं। तो हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम तैयार करेंगे ग्रेवी। तो हमने इसको ढक के वापस से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ग्रेवी के लिए हम 9-10 कलियाँ लहसुन, 2 प्याज और 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे। और आप बस पिसी हुई लाल मिर्च तो आप ना डालें, बट मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने खड़ी लाल मिर्ची डाल दी। और ज़्यादा टेंड्रफ्स नहीं, ये सारे मसालों को एक साथ ही पीस देना है, ऐसा नहीं कि प्याज अलग टमाटर अलग। तो हम सारे मसालों को एक साथ ही पीस देंगे। तो मैंने एक बार चला के उसको पीस दिया, आप देख सकते हैं फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया हमारा। और इसको मैंने ठंडा करके ऐसे पनीर के शेप में मैंने कट कर लिया था। तो आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से हो चुका है, कहीं से भी कच्चा पक्का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, फ्लॉपी फ्लॉपी सा है एकदम पनीर के जैसे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब देखो, तो मैंने कढ़ाई कर ली है गरम, और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। और जैसे हम अंडे नहीं, पनीर को हम फ्राई करते हैं डीप फ्राई, वैसे हम उसको भी फ्राई करेंगे। तो मैंने एक एक करके इसमें ऐड कर दिया है, जैसे तेल गर्म हो गया वैसे मैंने ऐड कर दिया अंडे। जैसे थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा आप इसको पलट देंगे। तो ये देखो आप लोग, मैंने पलट दिया इसको और ये एकदम पनीर जैसा लग रहा है। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये पनीर नहीं अंडा है। तो ऐसे ही आपको दोनों तरफ से अच्छे से कि जैसे ब्राउन ब्राउन सा हो जाए थोड़ा थोड़ा सा, तब तक आपको सेकना है दोनों तरफ से। तो ये आप लोग देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन सा हो गया है।
तो बस हमें इतना ही पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो अब मैंने सारे ऐसे ही फ्राई कर लिया है, अब देख सकते हो अच्छे से एकदम पनीर के जैसे फ्राई हो गया है। तो अब उसी बचे हुए तेल में मैं डाल दूँगी जीरा। तो अब थोड़ा सा डाल दिया जीरा, जीरा जैसे ही चटक जाए तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था हम उसको डाल देंगे। तो अब केयरफुली डालना नहीं तो छीटा जाएगा। उसको थोड़ा सा हम चला देंगे। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद से हम मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे मसाले पकते हैं तब तक हम यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से पक चुके, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मैंने डाला यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और दो बड़े चम्मच गरम मसाला। तो अब हम इसको डाल के, और मैंने थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला था, आप पूरे एक चम्मच डालना, मैंने थोड़ा सा ही डाला था बट अभी एक चम्मच डालना, उससे टेस्ट अच्छा आता है, कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इसको सारे मसाले डाल के हम एक बार इसको चला देंगे और फिर सिर्फ दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाए। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, सॉरी लाल मिर्च नहीं, और इसको कश्मीरी लाल मिर्च, हाँ लाल मिर्च ही बोलते हैं बट वो उस तीखापन नहीं होता उसमें, बस आपको कलर देता है। तो हम इसमें इसे ऐड कर दिया है पानी, और ग्रेवी आप गाढ़ा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। और जब हमारा ग्रेवी में बॉईल आ जाएगा तब उसमें ऐड कर देंगे ये क्यूब्स। तो मैंने बॉईल आ गया तो मैंने ऐड कर दिए थे उसमें ये अंडे वाले पनीर। तो और इसको हम एक बार चला देंगे, और चला के हम इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे, और जब 5 मिनट हो गया तो हम गैस को कर देंगे बंद। तो आप सभी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।